नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में आपको भाग देने के लिए हम सिखाएंगे बहुपद में बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रश्न है आपको दिया हुआ होगा px इक्वल टू इतना और gx इक्वल टू इतना। ये जो px है, हमें इस px से कोई लेना देना नहीं है, इसका संकेत है, इस बहुपद का ये संकेत है। तो कुल मिला के ये समझिए, यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है इसमें इससे भाग देना है, क्लियर। जैसे हम लोग नॉर्मली भाग बनाते हैं तो इसको बीच में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² + 5x - 3, ऐसे लिख लेंगे। और इधर इससे भाग देना है जी एक्स से, मतलब इससे x² - 2, क्लियर। इससे हमको भाग देना है। अब देखिए भाग कैसे देना है, इससे इसको बनाने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए। जैसे मान लीजिए हम 800, ये 84 है, सॉरी 84 में हमें 2 से भाग देना है। यहाँ हम ये सोचते हैं कि 2 में कितना से गुना किया जाए कि 8 हो जाएगा। तो 2 में हम 4 से गुना करते हैं, तो 4 यहाँ लिखते हैं, 4 × 2 करते हैं तो 8 होता है। तो इस प्रकार से हम कटाते हैं, ठीक। फिर ऊपर से एक अंक उतारते हैं, ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे अब हमें देखना है x³ कैसे होगा, x² में कितना से गुना करेंगे तो x³ होगा। तो x² में हम x से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 होता है, तो ये पावर 1 और इसका पावर 2 दोनों जुट के पावर 3 हो जाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x³। और फिर या इसके बारे में हम सोचें, लेकिन इसके साथ भी हमें गुना करना है। तो इसका चिन्ह है प्लस और इसका है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 2 × x तो 2x हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस था तो घटाव दिए थे ना, माइनस दिए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम माइनस देंगे, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ माइनस है तो हम प्लस देंगे, क्लियर हो गया। अब ये दोनों कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पे गड़बड़ी होता है, बच्चे को यहाँ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पे इसका घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पे घात 1 है और इसका घात 2 है, ये दोनों एक जाति नहीं है, तो फिर यह किसका जाता है, इसका है। अब देख लीजिए ये दोनों एक घात वाले है, तो इसके साथ ये जुटेगा, इसका नहीं है ये, इसलिए यह अलग रहेगा। इसको अलग में लिख देंगे -3x². अब ये जो 2x है 5x के साथ जुट जाएगा, क्यों जुटेगा, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, ये दोनों जुट के हो जाएगा। समान चिन्ह रहने पर जुटता है, तो 5 × 2 = 7x - 3, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया होगा, इसमें क्यों नहीं जोड़े। अब देखिए यहाँ पे अब हमें कोई चिन्ह देना पड़ेगा, अब यहाँ प्लस या माइनस कुछ देना पड़ेगा, अब कहां से आएगा चिन्ह। यहाँ जो आपको शेष बचा हुआ, शेष का जो आगे में चिन्ह है वही चिन्ह अब यहाँ पर देना है। यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस देंगे, क्लियर हो गया। अब आप देखिए x² तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x² में कितना से गुना करेंगे कि 3 हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इसमें हम 3 से गुना करेंगे, 3 × x² तो हो जाएगा -3x², ये माइनस है इसलिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे लिख दिए, अब यहाँ पर जो है चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे। अब देखिए कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ 6 है, ये अकेला संख्या है, इसमें कोई चार नहीं है, ABCD वाला कोई अक्षर नहीं है, इसलिए यह और ये 3 ये दोनों एक जात हुआ, लेकिन यह इसका जात नहीं हुआ, इसलिए यह अलग रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे 7x, ये देखिए यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, दोनों जुट जाएगा, -6 × 9, ये आंसर हो गया। इसको शेष कहेंगे, ये भागफल हो गया। यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर x - 3 और शेष फल बराबर 7x - 9, इस तरह से यही आंसर हो, ठीक है। इस तरह से और भी 2 प्रश्न है, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी जो सवाल आपसे नहीं बनता आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और उसको हम सॉल्व कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।